हमारे उलमाए सलफ भी इसमें ये कहते हैं, मैं ये बात भी अर्ज कर दूं कि इसमें इख्तलाफ है कि क्या अंबिया अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा के अंदर सिर्फ रूहों के साथ मौजूद थे। लेकिन जो मैंने बात कही है, मेरा दिल इस पर मुतमईन है कि रूहों के साथ और जिस्म के साथ। इसी तरह हर आसमान पर जिस जिस नबी से मुलाकात हो रही है, रूह से नहीं हो रही। अल्लाह के नबी खुद अपनी रूह और जिस्म के साथ गए हुए हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लम जिस तरह रूह और जिस्म के साथ आसमानों पर गए हुए हैं, तो सामने जिस जिस नबी से भी मुलाकात हो रही है वह रूह और जिस्म के साथ ही हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم। वाके मेराज जिसका पहला हिस्सा गुज़श्ता खुतबा जुमा में आपके सामने बयान हुआ था कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए और ये सफ़र आपने पलक झपकने के बराबर में तय किया, जो उस ज़माने में 40 दिन का सफ़र था। आगाज़ इसका मक्का से हुआ, मस्जिद हराम से, और फ़लस्तीन में जो बैतुल मुक़द्दस है, मस्जिद अक्सा है, वहाँ ले जाया गया। इसमें एक तरफ इशारा था कि इस दीन का आगाज़ मक्का से हुआ है और एक वक्त आएगा अल्लाह तबारक व ताला दुनिया ख़त्म करने से पहले जब इस दीन को चहार दांगे आलम में फैलाएगा, तो उस वक़्त इस दीन का जो मरकज होगा वो मुल्के शाम होगा, जहाँ इमाम महदी होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। तो इसमें एक तरफ इशारा था कि एक वक्त में आप अगरचे मक्का से दावत का आगाज कर रहे हैं और मदीना चले जाएंगे, आप उस इलाके के अंदर मबूस नहीं हुए जो अंबिया की सरजमीन कहलाता है, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व ताला उस इलाके को जो अंबिया की सरजमीन है, जहाँ से अक्सर अंबिया अलैहिस्सलाम मबऊस हुए, जहाँ पैदा हुए, जहाँ मदफून हुए, वहाँ अल्लाह तबारक व ताला इस मरकज को, दीन इस्लाम के मरकज को गोया दोबारा से वहाँ ले जाएगा। इस सफर के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की अजीबोगरीब निशानियां देखी। मस्जिद अक्सा से थोड़ा सा पहले एक सुरख रंग का टीला है, पहाड़ है, उस पहाड़ के करीब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। सही मुस्लिम के अंदर यह हदीस मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र के अंदर नमाज पढ़ते हुए देखा। कब्र जाहिर बात है कि जिंदा इंसान की नहीं बनाई जाती, जब इंसान फौत हो जाता है फिर उसकी कब्र बनती है। अंबिया अलैहिस्सलाम भी बशर थे, इंसान थे, और दीगर इंसानों की तरह अल्लाह ताला ने उन पर मौत तारी की, उनकी वफात हुई, और अंबिया अलैहिस्सलाम की बकायदा उनको गुसल दिया गया, बास का जनाजा पड़ा गया, उनकी तदफीन हुई और कब्र उनकी बंद कर दी गई। अब ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में देखा, जिंदा देखा और नमाज पढ़ते हुए देखा, इसका ताल्लुक भी दरअसल मौजजे के साथ। इसे कोई दलील अखज नहीं की जा सकती कि नबी या फिर वली या शोहदा कब्रों में इस तरह जिंदा है। ये दरअसल बरज़खी जिंदगी है जिसका हमें शऊर नहीं, इदराक नहीं है। हम नहीं देख सकते, हम नहीं जान सकते कि कब्र में कौन कौन जिंदा है और कौन क्या कर रहा है। अगर हमें भी कब्रों में इस तरह जिंदा नजर आ जाएं लोग और हम भी इस तरह का यकीन कर लें कि कोई नमाज पढ़ रहा होगा, कोई क्या, तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौजज़े की क्या हैसियत रह जाती है। ये मौजज़ा है ही इस तरह का कि इंसानी अकल से मावरा है, इंसान इसके मुतालिक सोचो विचार नहीं कर सकता,
जिंदा हैं और कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम पर वफात तारी होती है। मैंने यह तफसील से आपको बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए, आपको गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, और उसके बाद उस कमरे के अंदर जो आज हुजरा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहरा के नाम से मारूफ है, उसमें दाखिल होकर लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी। मतलब सारे फारिग हो गए, जिस जगह आपकी चारपाई थी, चारपाई पर आपका जस्ते खाकी था, उसको हटा के उसके नीचे कब्र खोदी गई, उस कब्र में लहद बनाई गई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहद में डाल के उस कब्र को बंद कर दिया गया। क्या ख्याल है कि रसूलुल्लाह जिंदा थे? आपकी आंखें खुली हुई थी, आप तकल्लम फरमा रहे थे, आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, कतन नहीं। ये बाद में लोगों ने बातें घड़ दी, हत्ता कि अपनी किताबों के अंदर लिख दी कि जब सहाबा इकराम आपको गुसल दे रहे थे, जब सहाबा आपकी कब्र में मट्टी डाल रहे थे, तो हुजूर आंखें खोले हुए बातें कर रहे थे। कि कैसे मुमकिन है कोई अपने वालिद के साथ, कोई अपनी मां के साथ, कोई अपने सगों के साथ ऐसा कर सकता है कि उसकी आंखें खुली हुई हों और वो बातें कर रहा हो और आप फिर भी उस पर कफन पहना दें, उसको कहे तू मर गया है और उसको कब्र के अंदर डाले और मट्टी डाल दे? ऐसा नहीं है। अंबिया अलैहिस्सलाम पर वफादारी हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह से दरख्वास्त की थी, उनकी वफात का तो वाक्य मशहूर है कि मलकुल मौत इंसानी शक्ल में आ गया, कौन हो मैं तुम्हारी जान लेने के लिए आया, तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आया। मूसा अलैहिस्सलाम थप्पड़ मार दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बहादुर थे, सामने फरिश्ता होता तो समझ जाते कि फरिश्ता है, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम को जितना अल्लाह ताला गैब का इलम दे दे बस उतना ही होता है, उससे आगे वो कुछ नहीं जानते। तो उसे आम इंसान समझ के कि मुझे धमकी दे रहा है, मुझे मारने के लिए आया है, थप्पड़ मार। बाज रिवायत में मुक्का, आंख उसकी बाहर आ गई, फरिश्ता था आंख हाथ में रख के अल्लाह के पास चला गया और अल्लाह को शिकायत की कि रब्बुल आलमीन देखिए आपके बंदे मूसा ने मेरे साथ क्या किया, क्या चाहता है मेरा बंदा। मलकुल मौत से अल्लाह ने कहा जाओ पूछो, जितनी जिंदगी चाहता है हम देने के लिए तैयार हैं, जाओ उसे ऑफर करो। मलकुल मौत ने कहा कि अगर आप जिंदगी चाहते हैं, मैं तो अल्लाह का फरिश्ता हूं, मेरा काम ही जान लेना है, मेरा काम ही रूह कब्ज करना है, मैं हर किसी के पास जाता हूं, नेक से नेक इंसान हो उसके पास भी और बद से बद हो उसके पास भी। आपको कितनी जिंदगी चाहिए? किसी बैल पर आप हाथ रख दें, आपके हाथ के नीचे जितने बैल के बाल होंगे उतने साल आपको मिल जाएंगे। कितने बारीक बारीक बाल होते हैं, यानी हजारों साल मिल जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो सही है, हजारों साल मुझे मिल जाएंगे। उसके बाद मलकुल मौत ने कहा उसके बाद फिर मैं आऊंगा, मेरी जिम्मेदारी, इतने साल आपको इजाफी मिल जाएंगे तब दोबारा मैं आऊंगा, मेरा काम ही रूह कब्ज करना है। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने सरे तस्लीम खम किया कि तब तुमने आना है तो आज ही ले जाओ अपनी रूह, आज ही ले जाओ मेरी रूह अल्लाह के पास, लेकिन एक दरख्वास्त है कि मुझे बैतुल मुकद्दस के करीब जाने दो। अल्लाह इतने करीब, उस प्यारी मस्जिद मस्जिद अक्सा के इतने करीब मेरी कब्र बने कि अगर कोई मस्जिद के सहन से ऐसे पत्थर फेंके तो मेरी कब्र तक पहुंच जाए, इतना करीब। चुनाचे उनकी ख्वाहिश अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी फरमाई, वफात तारी हुई, उनकी तदफीन हुई, कब्र बनी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर उनकी कब्र को देख रहे और मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर क्या कर रहे, नमाज। लोगों ने कहा जी हमारे बुजुर्ग भी नमाज पढ़ते हैं, कब्रों में पढ़ते हैं, कब्रों में न जाने क्या क्या इनके बुजुर्ग। इसी वाक्य पर कियास करते भाई, ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दिया गया, ये मौजज़ा था। अगला लम्हा ही देखो कि जब आप मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए हैं सारे नबी वहां मौजूद हैं, मूसा अलैहिस्सलाम भी वहां मौजूद है। अरे अभी तो कब्र में थे, नमाज पढ़ रहे थे, अब मस्जिद के अंदर दोबारा आ गए सारे अंबिया के साथ। ये मूसा अलैहिस्सलाम को दूसरी मरतबा अल्लाह के नबी ने मस्जिद के अंदर देखा। कबीले अज़द शनुआ
आपने कबीले का नाम लिया, फरमाया उसके एक नौजवान की तरह मूसा अलैहिस्सलाम की छवि थी। फिर इसमें मस्जिद में बहुत सारे लोग थे, अंबिया की जमात थी, सारे नबी थे, लेकिन सिर्फ तीन का अल्लाह के नबी ने तस्करा किया कि मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, ईसा अलैहिस्सलाम को देखा और सैयदना इब्राहिम अलैहि तहियत व तस्लीम को देखा। तीन नबियों के नाम लिए। मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज का वक्त था, सारे नबी मौजूद थे और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक जिब्राइल ने आपका हाथ पकड़ के आपको मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, यूं आप इमामुल अंबिया बन गए। अब ये सारे नबी कैसे मौजूद थे? बाद में यहां भी कहा जी वो रूहों के साथ, रूह का ताल्लुक नहीं है, ये मौजजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने सारे नबियों को जिस्मों के साथ, रूहों के साथ यहां जमा कर दिया था। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? अल्लाह रूह लुटाने पर कादिर है, जिस्म को दोबारा पैदा करने पर कादिर है, इस दुनिया में ही, चाहे 100 साल गुजर जाए। वो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा था जब बस्ती को उल्टा हुआ देखा, कैफ युही हाज़ी इल्लाहु बादा मौतिहा, बस्ती जो उल्टी पड़ी हुई है, छतें गिरी पड़ी हुई है, लोग मरे हुए हैं, अल्लाह कैसे जिंदा करेगा? इतना सा ख्याल आया, फअमातहुल्लाहु मिअत आमीन, अल्लाह ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल के लिए मौत दे दी। फअमातहुल्लाह, मौत दे दी अल्लाह ने 100 साल तक, और 100 साल के बाद अल्लाह ने दोबारा जिंदा कर दिया। किसको? अपने पैगंबर को, नबी को, इसी सरजमीन पर 100 साल अल्लाह ने मौत दे रखी, 100 साल के बाद जिंदा। साथ में गधा था जिसमें सवार थे, साथ में ज़ादेरा लिया हुआ था, टिफिन खाना, 100 साल के बाद उठे, कम लबिस्ता, अल्लाह ने पहला सवाल यह किया कि उज़ैर कितनी देर यहां ठहरे? कहा लबिस्तु यौमन व बादा यौम, लगता है कि सुबह आया था, दोपहर हो गई है, ये दोपहर को आया था, शाम हो गई है, ये दिन का एक हिस्सा है बस जो मैंने यहां गुजारा। अल्लाह ने कहा बल लबिस्ता मिअत आमीन, एक सदी पूरी गुजर गई है, 100 साल गुजर गए तुम्हें, 100 साल में अपने गधे को देखो, वहां हड्डियां बोसीदा पड़ी हुई, एक तरफ अल्लाह ने उनको दिखाया गधा मर गया है, हड्डियां बोसीदा पड़ी हुई, थोड़ा दूसरी तरफ देखो जो टिफिन अपने साथ लेकर चले थे, लम्यतसन्ना, वो लगता है कि बिल्कुल अभी का भी है, तैयार खाना मौजूद है, 100 साल गुजरने के बाद भी वो खाना, उसके अंदर बसांत पैदा नहीं हुई। अल्लाह की कुदरत देखे, अल्लाह की कुदरत को समझने के लिए कुरान काफी है, कहानियां नहीं, किस्से नहीं। और फिर इन अल्लाह ताला के बयान करते हैं वाकियात पर अपने बुजुर्गों को मत फिट किया करो कि हमारे बुजुर्ग भी 100 साल जिंदा रहे, 100 साल के बाद फिर वो जिंदा हो गए, या फला बुजुर्ग ने फला को जिंदा कर दिया। लम ये तसन्ना, खाना बिल्कुल वैसे का वैसा है। अब अल्लाह ताला ने कहा देखो तुम्हारे जहन में आया था ना कि मैं इस बस्ती को कैसे जिंदा करूंगा, तुम्हें 100 साल के बाद जिंदा कर दिया, अपने आप को जिंदा होते हुए नहीं देखा ना, अपने गधे को देख लो, अपने गधे को देखो, कई फनुन शिजुहा सुम नक्सुहा लहमा, हम इस गधे को कैसे जिंदा करते हैं, पलक झपकते ही हड्डियां जुड़ी, हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ा, खाल चढ़ी, और उनका गधा बिल्कुल गधे की जो आवाज होती है मखसूस निकालता हुआ जिंदा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह अपनी कुदरत के नजारे दिखाता है। तो मौजजात इसी चीज का नाम है, अल्लाह की कुदरतों को इंसान सिर्फ पढ़े और पढ़कर कहे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की कुदरत पर ईमान, ये मौजज़ा है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम को जिंदा करना, उनकी रूहों को, जिस्मों को बैतुल मुकद्दस पहुंचाना अल्लाह का काम था, अल्लाह ने कर दिया। हमारा काम है उस पर यकीन रखें, सारे नबी मौजूद हैं लेकिन सिर्फ तीन नबियों से आपकी मुलाकात हुई, नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद वहीं से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर ऊपर की जानिब ले जाएगा, इसी को कहते हैं मेराज, उरूज से सीढ़ी को कहते हैं, यहां से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर की जानिब गए। आसमान को जिल मआरिज कहा है अल्लाह ताला ने, कि ये ऊपर की जानिब जो चढ़ने के जीने होते हैं, रास्ते होते हैं, सीढ़ियां होती हैं, आसमान में भी अल्लाह ने रास्ते बना दिए, दरवाजे। अब रसूलुल्लाह सल्लम पहले आसमान पर, जिब्राइल ने दरवाजा बजाया, बकायदा दरवाजा है, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा जिब्राइल।
आपके साथ कौन है? मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनको बुलाया गया है? जी हाँ बुलाया गया है। अल्लाह ने ऐसा मख्फी रखा अपने इस प्रोग्राम को कि किसी फरिश्ते को खबर नहीं है कि कौन आ रहा है। दरवाजा खोल दिया गया, पहले आसमान पर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आपके मुंतजिर हैं, आपका इस्तकबाल किया। अलैक सलैक के बाद, दुआओं के तबादले के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की तरफ। दूसरे आसमान पर भी इसी तरह दरवाजा बजाया और खुलवाया गया। और उसके बाद आप जब दूसरे आसमान पर दाखिल हुए, सैयदना ईसा इब्ने मरियम और सैयदना यहया इब्ने जकरिया जो खालाजाद आपस में भाई हैं, ये दोनों पैगंबर दूसरे आसमान पर आपके मुंतजिर हैं। अरे अभी तो ये नीचे थे, अभी आपने यहां मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई, वहां ईसा अलैहि सलाम को देखा, फिर ईसा अलैहि सलाम दोबारा दूसरे आसमान पर चले गए। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। जमीन पर लाना भी अल्लाह का काम था, और पलक झपकने से पहले और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले दूसरे आसमान पर पहुंचाना अल्लाह का काम। यह अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कारीगरी है, अल्लाह ताला की ताकत का इजहार है। वाकई मेराज झंझोर के इंसान को रख देता है कि इंसान अपने कदकाठ को, अपनी ताकत को, अपने इल्म हुनर को देख और अल्लाह तबारक व तआला की ताकत को देख। सारी दुनिया की ताकत है अल्लाह की ताकत के सामने है छ, बल्कि जहां दुनिया की ताकतों का इख्तिताम होता है वहां से अल्लाह की ताकत का आगाज होता है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ और यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात के बाद, दुआओं के तबादले के बाद तीसरे आसमान, तीसरा आसमान खुला आपके लिए, तो वहां से सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुंतजिर है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाया जैसे मैंने यूसुफ को देखा। यह पहली मुलाकात, किस्सा पूरा कुरान मजीद में अल्लाह नाजिल कर चुका, अहसनुल कसस जिसको कहा। अब वो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी के सामने है, फरमाया कि फैजा हुआ शत्रुल हुसन, मैंने यूसुफ को देखा तो यूं महसूस हुआ कि अल्लाह ने दुनिया का आधा हुसन यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दे दिया, आधा हुसन। कितने हसीनो जमील होंगे वो। जब जुलेखा ने अपनी अय्यारी मक्कारी के लिए दावत का एहतमाम किया, कुरान मजीद में है, औरतें तो बातें करने लगी ना कि अजीज मिस्र की बीवी होकर एक नौकर पर, अपने गुलाम पर फरेश्ता हो रही है। भाई गुलाम फरेश्ता होने के लिए कोई बड़ा आदमी होता, ओहदेदार होता, मनसब वाला होता, क्या नौकर पर आशिक हुई है? कैसा नौकर है? जुलेखा ने जमा कर लिया और खूब दावत का एहतमाम किया हुआ है, छुरी चाकू पड़े हुए हैं, कांटे पड़े हुए हैं, फल रखे हुए हैं। और इसी दौरान यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि आ जाओ इनके सामने, आ जाओ इनके सामने। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही औरतों के सामने आए तो पहला जुमला जो औरतों ने कहा, हाशा लिल्ला, हाशा लिल्ला। औरतों के मखसूस कलिमात होते हैं जो ताज्जुब के होते हैं, हर दौर में हर जुबान बोलने वाली औरत उस तरह के जुमले कह देती है, हाशा लिल्ला, मा हाजा बशरा, इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, हमारे सामने कोई इंसान नहीं है बल्कि फरिश्ता खड़ा हुआ। कत्ता ना आईदिया हुन, छुरियां पकड़ी हुई थी, फ्रूट काट रही थी, इतनी मबहूत हो गई यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुसन को देखकर कि अपनी उंगलियां काट दी, पता ही नहीं चला कि हम ये चाकू किस पे चला रहे, उंगलियां काट दी। अम्मी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा सलाम अल्लाह अलैहा वो फरमाया करती थी कि यूसुफ को देखने के बाद मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काट लिए थे, अगर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती तो ये छुरियां अपने दिल पर चला लेती। अल्लाह के नबी, वह अहसन मिनका लम तरा कत्तु आईनी वह अजमल मिनका लम तलिद निसा, आपसे हसीन और जमील कोई पैदा ही नहीं हुआ, किसी मां ने जना ही नहीं, इतने हसीन और जमील थे। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, आधा हुसन दुनिया का, फरमाया अल्लाह ने यूसुफ को अता किया। दुआओं के तबादले के बाद, अलैक सलैक के बाद ऊपर गए चौथे आसमान पर, सैयदना इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके मुंतजिर थे, अल्लाह के पैगंबर हैं। सूरह मरियम के अंदर उनका जिक्र है, वरफअनाहु मकानन अलिया, कि इदरीस सच्चे नबी थे, अल्लाह ने बुलंद जगह पर, बुलंद मुकाम पर उनको फाइज किया, जिससे बाज लोगों को यह मुगालता हुआ और उन्होंने ये गलत तफसीर कर दी इस बात की
कि इदरीस को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमानों पर उठा लिया है। हालांकि ये तफसीर गलत है, बातिल है। इदरीस को अल्लाह ने एक मुकाम दिया, जिंदा सिर्फ एक ही हस्ती ऊपर गई जो अब तक जिंदा है ऊपर आसमानों में, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम। और ये एजाज अल्लाह ने हमारे नबी को भी दिया कि आप भी रूह और जिस्म के साथ ऊपर गए और वापस जमीन पर आए। इसके बाद किसी का ऊपर जाने का, फरिश्ते जाते रहते हैं। फरिश्तों को अल्लाह ने पर अता किए हैं, मसना व सुलासा व रुबा, ऊपर की तरफ उड़ते हैं फरिश्ते, आते हैं जाते हैं। जिब्राइल के 600 पर हैं, 600 पर। फरमाया मेरे सामने जिब्राइल सिर्फ अपनी सूरत में दो दफा आए, राई तो जिब्राइल अफी सूरती मर्रतैन, सिर्फ दो मर्तबा मैंने जिब्राइल को उसकी असली शक्ल और सूरत में देखा। वो अल्लाह का फरिश्ता था, पलक झपकते अल्लाह के अहकामात लेकर सातवें आसमान से जमीन पर, जमीन से दोबारा सातवें आसमान पर, कई बार आया, 23 साल में कई बार। सैयदना देहिया कल्बी की शक्ल और सूरत में आ जाता, किसी आराबी की शक्ल और सूरत में आ जाता। जो उसकी असली शक्ल और सूरत है दो मरतबा देखा, 600 लहू सित्तत मियत जनाइन, 600 पर हैं। और मेरे सामने फरमाया जिब्राइल ने सिर्फ दो पर खोले थे, मशरिक से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक, उन दो परों ने पूरी जमीन को अपने अंदर समो लिया था। ये जिब्राइल हैं, लेकिन हमारे नबी की परवाज इससे ज्यादा है। देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाज, मेराज की रात अल्लाह के नबी सल्लम की जो परवाज थी, इसको देखकर किसी ने कहा ना कि कब से जिब्राइल का यह ख्याल है कि बशर हो जाए। जिब्राइल को भी यह तमन्ना थी, काश मैं भी बशर होता और इस बशरियत के आला तरीन मनसब पर फायद होता और मेरी परवाज का भी आलम होता, क्योंकि मुझे एक हद तक जाने की इजाजत है, उससे आगे फिर कोई नहीं जा सकता। तो ये चौथा आसमान सैयदना इदरीस, अल्लाह ने उनको मकाम दिया, मर्तबा दिया, उनसे मुलाकात हुई, पांचवें आसमान की तरफ बढ़ गए। पांचवें आसमान पर सैयदना हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदना मूसा के भाई हैं, बैक वक्त नबी थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों के दरमियान दर्जे का फासला रखा है। पांचवें पर सैयदना हारून अलैहिस्सलाम को रखा है और छठे पर सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब छठे आसमान पर पहुंचे, वहां पर काफी गुफ्तगु हुई, अलग सलेक दुआओं का तबादला, और उसके बाद फिर सातवें आसमान पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले। ये आखिरी आसमान। सातवें आसमान पर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके मुंतजिर थे। अभी तो उनको मस्जिद अक्सा में देखा था और अब सातवें आसमान पर, अल्लाह के नबी से भी पहले अल्लाह ताला उनको सातवें आसमान पर ले गए। अगरचे हमारे उलमाए सलफ भी इसमें ये कहते हैं, मैं ये बात भी अर्ज कर दूं कि इसमें इख्तलाफ है कि क्या अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अक्सा के अंदर सिर्फ रूहों के साथ मौजूद थे। लेकिन जो मैंने बात कही है, मेरा दिल इस पर मुतमईन है कि रूहों के साथ और जिस्म के साथ। इसी तरह हर आसमान पर जिस जिस नबी से मुलाकात हो रही है, रूह से नहीं हो रही, अल्लाह के नबी खुद अपनी रूह और जिस्म के साथ गए हुए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लम जिस तरह रूह और जिस्म के साथ आसमानों पर गए हुए हैं, तो सामने जिस जिस नबी से भी मुलाकात हो रही है वह रूह और जिस्म के साथ ही हो रही, सिर्फ रूह के साथ नहीं हो रही। रूहों से मुलाकात करानी होती तो अल्लाह जमीन पर ही भेज देता। अल्लाह तबारक व तआला ने हर हर आसमान पर एक नबी को आपके इस्तकबाल के लिए खड़ा किया, प्रोटोकॉल दिया, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान मकाम और मर्तबा था, उस नबी पर भी अल्लाह तआला ने वादे किया कि मेरा महबूब आ रहा है, आखिरी नबी आ रहा है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए हुए बैठे हुए हैं। ये बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर जो मक्का में है। फरमाया ऐन इसके ऊपर सातवें आसमान पे बैतुल मामूर है, बैतुल मामूर है, फरिश्तों का काबा है, नाम ही उसका बैतुल मामूर। कुरान मजीद के अंदर ये लफ्ज मौजूद है, सुरतूर में अल्लाह ने कसम खाई, वल बैतुल मामूर। बैतुल मामूर का मतलब है हर वक्त आबाद घर। ये यहां काबतुल्लाह का लकब नहीं है, इसको हम काबा कहते हैं, मक्का मुकरमा कहते हैं, मस्जिद हराम कहते हैं, लेकिन इसका नाम बैतुल मामूर नहीं है। बैतुल मामूर है वो
जो हर वक्त मामूर रहता है, एक लम्हा नहीं आता कि जहां जब उसका तवाफ ना हो रहा हो। 70,000 फरिश्ते फरमाए तवाफ करते हैं निकल जाते हैं, फिर 70,000 दाखिल होते हैं तवाफ करते हैं निकल जाते हैं। ये अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ, 70,000 आ रहे हैं, अब रोजाने 7 चक्कर लगा रहे हैं या एक ही चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जिसने फरमाया एक दफा तवाफ कर लिया इस बैतुल मामूर का, अब क्यामत तक उस फरिश्ते की बारी नहीं आएगी। यहां चंद साल पहले, बल्कि 2-3 साल पहले जब कोरोना आया था, आपने देखा था कैसे वीरान था अल्लाह का घर बैतुल्ला, वीरान था, कोई एक तवाफ करने वाला भी नहीं था। और कुर्बे कियामत अल्लाह के नबी ने खुद कहा कि एक हबशी पतली पतली पिंडियों वाला कुदाल हाथ में पकड़ा हुआ, मैं देख रहा हूं वो बैतुल्ला को ढा रहा है, ढा दिया जाएगा अल्लाह का, मिटा दिया जाएगा इसको, हत्ता के हज तवाफ उमरा सब चीजें मौकूफ हो जाएंगी। कियामत के करीब ऐसा होगा, इसको वीरान कर देंगे लोग, खराब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। वो बैतुल मामूर है जिस तक किसी की रसाई नहीं है, हर वक्त वो मामूर है, आबाद है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लम अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। क्या बात है, क्या मकाम है इस उम्मत का, क्या मर्तबा है, अल्लाह का खलील सातवें आसमान बैतुल मामूर से इस उम्मत को सलाम कह रहा है, इस उम्मत तक सलाम कर रहा। आप तक सलाम पहुंचा, आपने सलाम का जवाब दिया है, अल्लाह अकबर, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। अल्लाह की तरफ से भी सलाम है इस उम्मत पर, और अल्लाह के फरिश्तों की तरफ से भी सलाम है, और अल्लाह के नबी भी इस उम्मत पर सलाम भेजते हैं। अपनी उम्मत को मेरा सलाम पहुंचाइएगा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकात, अल्लाह के पैगंबर का पैगाम अपनी उम्मत को बताइएगा। जन्नत बड़ी पाकीजा है, पानी बहुत जबरदस्त है, लेकिन जन्नत इस वक्त चटियल मैदान है, मट्टी की जमीन नहीं है, कस्तूरी की जमीन है, मुश्क और अंबर है, सोने चांदी की ईंटें हैं, महल्लात है, जमर्द है, फला फला है, सब कुछ है जन्नत के अंदर। एक चीज तुमने लगा के आनी यहां से, और वो है दरख्त, शजरकारी करके आओ, अपनी उम्मत को बता दो कि सुभान अल्लाह कहा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें, अल्लाहु अकबर कहा करें, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया करें। हर एक कलमे के बदले जन्नत के अंदर दरख्त लग जाता है। कितने दरख्त लगा लिए आपने? कोशिश करें जन्नत को आबाद करने की, अपने महल्लात को आबाद करने की, इसलिए कि महल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर दरख्त नहीं है, पौधे नहीं है, सब्जा नहीं है, उसका हुसन आधा रह जाता है। हसीन उसी वक्त होगा जब क्यारी होगी उसके अंदर, शजरकारी होगी उसके अंदर, दरख्त लगे हुए होंगे उसके अंदर, फिर वो फिजा बड़ी खूबसूरत नजर आएगी। अल्लाह हमको ये घर आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। उनको बताएं कि इस तरह दरख्त लगाएं खूब। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर यहां से आगे निकले तो सामने सिदरतुल मुंतहा है। सिदरतुल मुंतहा, सिदरा दरख्त, बेरी का दरख्त, मुंतहा आखिरी जगह, ये आखिरी जगह है, आखिरी हद है, इसके बाद जिब्राइल के भी पर जल जाएंगे अगर ऊपर जाएगा तो। सिदरतुल मुंतहा फरमा बेरी का दरख्त है, मैंने देखा हाथी के कान के बराबर उसके पत्ते हैं। हमारे यहां बेरी का दरख्त ना छोटे छोटे पत्ते होते, हाथी के कान के बराबर उसके पत्ते हैं, और बड़े बड़े मटकों के बराबर उसमें बेर लगे हुए हैं, और पतंगे तितलियां सोने की टिडियां उस दरख्त के ऊपर बैठी हुई हैं। क्या खूबसूरत, आपने खुद कहा ऐसा मंजर है कि इंसानी आंख उसका हुसन बयान नहीं कर सकती जो मैंने वहां सिदरतुल मुंतहा पे मंजर देखा। फिर मैं इससे आगे आप जाएं, अब मैं नहीं जाऊंगा। जहां से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर गए अकेले, हां इससे ऊपर फरिश्ते हैं, जिब्राइल को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन इससे ऊपर भी फरिश्ते हैं, इसलिए कि इससे ऊपर अल्लाह का अर्श है। सातवें आसमान पर क्या है? अल्लाह का अर्श, और अल्लाह का अर्श 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ है। 8 फरिश्तों ने अल्लाह का अर्श उठाया हुआ है, और वो फरिश्ते इतने बड़े हैं, इतने कवियुल जुस्सा हैं, इतने लहीम शहीम हैं। फरमाया कि ये इंसान का जो शाना है और कान की लो है, हमारे शाने और कान की लो में आधी बालिश का भी फासला नहीं है। ये हमारी कान की लो है ना, और ये हमारा कंधा है,
कितना फासला है, चार उंगल का, छह उंगल का। फरमा आसमान के वो फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ है, कान की लो और शाने के दरमियान 500 साल की मुसाफत है, अल्लाह के अर्श को जिन्होंने उठा रखा फरिश्तों ने, इतने बड़े बड़े फरिश्ते। फिर अल्लाह का अर्श है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उस अर्श पर मुस्तवी है, अर रहमान अला अर्श इस्तवा। अल्लाह ने अपने अर्श पर नहीं बुलाया, ना आप अर्श पर गए, ना अल्लाह के साथ बैठे, ना अल्लाह के हाथ में, ना नाउजबिल्ला आपका हाथ था, अल्लाह को देखा भी नहीं। सिर्फ अल्लाह ताला ने तर्जुमान के बगैर नूर के पर्दों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया, आपसे हम कलाम हुए। देखा नहीं आपने, जो कहते हैं कि साथ बिठा लिया, अर्श पर बुला लिया, सब बकवास है। इसकी सिर्फ सालिन के यहां कोई हैसियत नहीं इस कलाम की। अबू जर गिफारी ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की हदीस, हल रायत रब्बू का, आपने अपने रब को देखा जब इतना करीब गए? फरा नूर उन अन्ना उराहो, अल्लाह तो सरापा नूर है, अल्लाह को कैसे कोई देख सकता है। अम्मी आयशा से किसी ने पूछा था ना कि अम्मी आयशा बताएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा, अपने रब को देखा, तो आपने कहा तुम्हारे इस सवाल ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, सवाल ही ऐसा तुमने किया है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। जो तुमसे यह कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अपने रब को देखा है, वो झूठा है, सही बुखारी के अंदर। यमी आयशा का फतवा है, और इस फतवे की जद में बड़े बड़े मौलवी मुल्ला ने अल्लामे और फाहमे आते हैं, जो जमीन आसमान के किलाबे मिला देते हैं और अल्लाह के नबी को अर्श तक पहुंचा देते हैं। आप गए जहां तक अल्लाह ने चाहा, तीन तोहफे दिए अल्लाह ने, नमाजें दी, सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयतें दी, और साथ ये आपको एजाज दिया कि आपकी उम्मत में जो मेरे साथ शरीक नहीं करेगा, शिरक नहीं करेगा, मैं उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। ये तीन तोहफे लेकर आप नीचे आए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई, क्या मिला अल्लाह की जानिब से? 50 नमाजें। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहां थे जब सफर में जा रहे थे? तो कौन से आसमान पर थे? छठे आसमान पर। अब सातवें आसमान पर चले गए मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह की कुदरतें देखें, अब सातवें आसमान पर है, क्योंकि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर से नीचे आते तो पहला सातवां आसमान है, वहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, उनसे मुलाकात होती, वह पूछते। लेकिन यहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है, सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। तो मुहद्दिसीन ने यही तत्बीक दी है कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को छठे आसमान से सातवें आसमान तक पहुंचा दिया। कहा 50 नमाजें, मेरी उम्मत तो बनी इसराइल इतनी सुस्त और काहिल कौम थी, थोड़ी सी नमाजें फर्ज थी वो नहीं पढ़ सके, आपकी उम्मत 50 कैसे पढ़ेगी? जाए अल्लाह से तकफीफ करवाए। क्या अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह के नबी दोबारा गए, तकफीफ की दरख्वास्त की, अल्लाह ने 10 कम कर दी, नीचे आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अभी भी ज्यादा है, जाएं। जा रहे थे वापस आ रहे थे, जा रहे थे वापस आ रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला भी बेनियाज बादशाह है, अल्लाह को पता था कि 5 ही करनी है, तो अल्लाह पहली मर्तबा 5 कर सकता था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले को कायम रखना चाह रहा था। और अल्लाह ने अजल से ये चीजें लिखी हुई थी कि मेरा पैगंबर आएगा, मैं 50 नमाजें दूंगा, फिर नीचे जाएगा, मेरा एक और पैगंबर कलीमुल्ला उसको दोबारा ऊपर भेजेगा, फिर वो नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, ये आने जाने का सिलसिला लगा रहेगा, हत्ता कि आखिर में 5 रह जाएंगी। अल्लाह ताला ने 5 बचाकर कहा कि अब ले जाओ, हैं तो ये 5, लेकिन अजर व सवाब के एतबार से ये 50 ही हैं। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर अपनी करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए। कहा मोहम्मद दोबारा जाए, यह आपकी उम्मत 5 भी नहीं बढ़ सकेगी। काश कि अल्लाह के नबी एक चक्कर और लगा लेते, क्योंकि 5 भी भारी हैं हम पर, 24 घंटे में 5 कितनी भारी हैं। एक अजान होती है, नमाज पढ़ के जाते हैं, दूसरी अजान हो जाती है, क्या कहते हैं मौलवी को? सुकून नहीं है, लगता है माइक पे चढ़ा बैठा हुआ है। एक अजान दी है, दूसरी अजान अभी तो पढ़ के आए थे। मुल्ला की दौड़ घर से मस्जिद तक, हमने जुमले बना लिए, फब्तियां कसने लग गए। मौलवी नमाज लंबी पढ़ाए, मौलवी क्या है नमाज में सो जाता, जल्दी पढ़ा दे, लगता मौलवी को कोई काम था, जल्दी नमाज पढ़ा के निकल गया। हमने इस नमाज को जुमलों के अंदर
अपनी जुमलेबाजी का निशाना बना ले। गए थे नमाज बख्शवाने, रोजे गले पड़ गए। कैसे कैसे घटिया किस्म के जुमले ईजाद कर लिए। नमाज तो अल्लाह के नबी भी बख्शवाने नहीं गए, 5 अल्लाह ताला ने रख दी वो भी माफ नहीं की। तुमने एक जुमला कहां से ले लिया कि गए थे नमाज बख्शवाने, रोजे गले पड़ गए। रोजे गले पड़ गए। काश के मूसा अलैहिस्सलाम की बात अल्लाह के नबी मान लेते और एक चक्कर और लगा लेते तो शायद 2-3 बाकी बचती, लेकिन वो 2-3 भी हमसे नहीं पड़ी जाती। सवाल तो यह कि 2-3 भी अगर होती तो वो कहां पड़ी जाती। ऐसी सुस्ती, ऐसी गफलत, ऐसी काहली। हाफिज़ु अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वकूमु लिल्लाहि खानितीन। 5 नमाजें वक्त पर पढ़ो, अल्लाह के सामने मुअद्दब बन के खड़े हो जाओ, अल्लाह के सामने मुअद्दब बन के खड़े हो। तो बहरहाल नमाज पढ़ो, मेराज का तोहफा है। सूरतुल बकरा की आखिरी दुआएं पढ़ो, याद करो, रात को पढ़ के सो। जो रात को पढ़ के सूरह बकरा की दुआएं आमनर रसूल से लेकर आखिर तक पढ़ के सो जाए, फरमाया उसके लिए काफी है। काफी होने का मतलब मुहद्दिसीन ने बयान किया, 2 तरह से काफी है। नंबर 1, रात की इबादत से उसके लिए किफायत कर जाएंगी। ईशा की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के ये दो आयतें पढ़ी, सो गया, पूरी रात बिस्तर पर ख्वाब खरगोश के मजे लेता रहा। फजर की नमाज, मुड़कर फजर की नमाज पढ़ ली, ये 2 आयतें पूरी रात की इबादत के बराबर है। गोया ये बिस्तर पर नहीं था, अल्लाह के सामने खड़ा हुआ था। और दूसरा मफहूम कि 2 आयतें उसके लिए काफी हैं शर से, फितने से, चोरी चुकारी से। मुतमईन होकर सो जाए कि मैंने 2 आयतें पढ़ ली हैं, अल्लाह के नबी ने कहा काफी है, अब मेरा कोई भी बाल बीका नहीं कर सकता, ना मुझे नुकसान हो सकता है। और मेराज का तीसरा तोहफा, अपने आप को तौहीद पर कायम रखो। एक अल्लाह है, अल्लाह के मां सिवा सब गैरुल्लाह है। ना अल्लाह के अलावा नजरो न्याज किसी के लिए, ना डर खौफ किसी का, और ना ही किसी से उम्मीद, ना कोई रिजक देने वाला, ना औलाद देने वाला, सिर्फ एक अल्लाह है। शिरक को अपनी जिंदगी में दाखिल भी मत होने दें। तो ये मेराज के 3 तोहफे संभाल के रखें, और इस उम्मीद पर कि हमने मेराज के इन 3 तोहफों की कदर की है, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारी भी कदर करेगा। अल्लाह ताला समझने की, अमल कराने की तौफीक दे। वतन अजीज में इलेक्शन का जो ड्रामा था वो पाए तकमील तक पहुंचा। अल्लाह ला करके इलेक्शन हुए, जैसे भी हुए, लूले लंगड़े हो गए। अब दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुल्क को इस्तेहकाम अता फरमाए। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सुबह पता नहीं कितने 2-3 हजार पॉइंट उसके गिर गए। अजीब सी कैफियत है, क्योंकि जमहूरी निज़ाम है, मैं पहले भी यहाँ कह चुका हूँ इसी मेंबर पर, के गंदा निज़ाम जमहूरी है। तो अच्छा निज़ाम जमहूरी, लेकिन वो अच्छा अंग्रेज़ों के पास, वो ले गए अच्छा निज़ाम। यहाँ पार्टियाँ बना दी, जिसके पास टांगे की सवारी भी नहीं है वो भी पार्टी बना के खड़ा। नतीजा देख लें आप, किसी भी पार्टी को अक्सरियत हासिल नहीं हुई। क्या करेंगे आप, पहले 5 साल जिस हेजानी कैफियत के अंदर गुजरे हैं, जो मईशत का बुरा हाल हुआ है, अल्लाह ना करे कि आगे भी 5 साल ऐसे ही गुजारने पड़े। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस्तेहकाम अता फरमाए, माशी इस्तेहकाम अता फरमाए, सियासी इस्तेहकाम अता फरमाए। ये बात तो सबने कही है कि माशी इस्तेहकाम ये मुनहसिर है सियासी इस्तेहकाम पर। मुल्क के अंदर सियासी तौर पर इस्तेहकाम होगा, मईशत उठेगी, कारोबार चलेगा, दुनिया में आपका नाम होगा। जब सियासी तौर पर टांगे खींचेंगे एक दूसरे की, हर पार्टी को 10-10, 15-15, 20-20 सीटें दे दी हैं, लड़ो मरो अब, ये तो कोई ना हुआ ना सिस्टम। तो सिस्टम संभालने की और सुधारने की जरूरत है, और ये पार्टीबाजी नुकसानदेह है, पार्टीबाजी मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अमेरिका में 2 पार्टियां हैं, जमहूरियत वहां भी है ना, 2 पार्टियां, तीसरी पार्टी का वजूद ही नहीं। यहां तो पार्टी 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 पार्ट से है, पार्ट में तकसीम कर दिया कौम को, पूरी पार्टियां बनाओ, झंडे बनाओ, अपने उम्मीदवार खड़े करो और एक एक सीट लेकर खुश हो जाओ। तो बहरहाल जैसा भी है, अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है जुमे के इस मुकद्दस दिन और इस मुकद्दस खुतबे के दौरान कि अल्लाह हमारे मुल्क को सियासी और माशी तौर पर इस्तेहकाम नसीब फरमाए, हमें वो हुक्मरान नसीब फरमाए जिनके दिलों में अल्लाह का डर हो, जो इस उम्मत के, इस कौम के खैर ख्वाह हों, कोई भी हो हमें उससे गर्ज नहीं, जो इस उम्मत को, इस कौम को लेकर चलेगा और पाकिस्तान की मईशत को उठाएगा, अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे हुक्मरान अता फरमाए।
दुआए मगफरत की अपील आई है मोहम्मद सलीम बोहरा साहब हमारे जमाती साथी।